क्या हाल है मेरे दोस्तों के, मैं हूं आपका होस्ट गैरी। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं गैरी और ये है मेरा दोस्त गार्गी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं भट्टा फॉल के रास्ते में। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा था तो हमने आपको बताया था कि ये रास्ता नीचे भट्टा फॉल जाता है। आज हम भट्टा फॉल या मसूरी नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे धनौल्टी गार्गी और मैं। वहाँ पर थोड़ी पड़ी थी स्नो, अब तो ओवर हो चुकी है, बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी ठंड, इसी के कारण आज काफ़ी फॉग था। 2 घंटे में हम हरिद्वार से मसूरी पहुंच चुके हैं और करीबन हमें हाफ एन आवर से 40 मिनट्स लगेंगे धनौल्टी कवर करने में। तो चलिए गाइस व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप मसूरी की तरफ बढ़ें तो आप श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करते हुए ज़रूर जाएं। माना जाता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी और काफ़ी अच्छा भी है। दोस्तों अगर आपने हमारी भट्टा फॉल की अगर नहीं देखी है YouTube क्लिप तो आप बिल्कुल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मॉर्निंग में अच्छा मौसम हो रहा है। अब हम चलेंगे हमारे सेंटर पॉइंट पे जहाँ हमें भुट्टे खाने को मिलते हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो भट्टा फॉल के आसपास का व्यू हम आपको ये दिखा। जब भी मसूरी के रास्ते में आप जा रहे हों ज़रूर खाएँ आप भुट्टा। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं भुट्टों की, तो यहाँ के भुट्टे बहुत ही अलग है, स्वीट कॉर्न, जो आपको अपनी सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। यू कैन काउंट मी ऑन दैट। हाँ ब्रदर, दो भुट्टे लगा दो आंटी, बड़े प्यारे से ज़बरदस्त होते हैं भुट्टे। लास्ट टाइम भी खाए थे, इस टाइम दोबारा। हाँ लास्ट टाइम भी खाए थे ना, लास्ट टाइम वहाँ खाए थे ब्रदर, है ना। हाँ इस वाले वेंडर पे खाए थे अभी। मदर ये सॉफ्ट होता है ना, अपने कॉर्न जो होते हैं ना सॉफ्ट, बड़े प्यारे अच्छे लगते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। ये देखिए दोस्तों भुट्टा, ये ले भाई तेरा। एक और भुट्टा खा ले, खा दोनों, तू ही खा, तेरे लिए ही है, दोनों खा तू। कैसा लगा, मजा आ गया सच्ची, है ना। जूसी जूसी सर, टेस्टी होता ही है यार, यम्मी है। क्या कहना है आपका फिर पहाड़ी भुट्टे के बारे में। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई, एकदम जूसी जूसी, मस्त है ना, मस्त, बड़ा प्यारा टेस्ट भी अच्छा, जूसी बहुत। दोस्तों पहाड़ों में जाओ पहाड़ी भुट्टे जरूर खाओ यार, बहुत ऑसम भुट्टे। पता नहीं है हिमाचली भुट्टे हैं फिलहाल, हमने तो कहाँ के हैदराबादी भुट्टे बताए गए हैं, मैं तो हैदराबादी कुछ चंडीगढ़ के रखते हैं, पर जहाँ के भी हैं बहुत टेस्टी भुट्टे हैं। तो दोस्तों ये रास्ता है जो मसूरी जा रहा है सीधे, और यहाँ से दोस्तों राइट का टर्न जाता है धनौल्टी के लिए। ये पूरा रास्ता जो है हम लेंगे ये धनौल्टी की तरफ। सही काम कर रहा है, cause we be on a tough love.
दोस्तों यहाँ पे पूरा आप जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप देख रहे हो ट्रैकिंग, बॉनफायर, डे हाइक, कैफ़े है यहाँ पे, एडवेंचर, कोई भी आपको एडवेंचर करना हो यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। यह व्यू पॉइंट दोस्तों। जैसे कहते हैं तो अभी हम स्नोफ्लेक रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पे हम कॉफी, थोड़ा पराठा वराठा खा के आगे मूव करेंगे। बर्फ वैसे तो मेल्ट हो चुकी है, बट हाँ यहाँ पे हमारे खेलने लायक काफी बर्फ है। अभी हम आगे एक रिजॉर्ट में जाएंगे जहाँ पे टिकट 50 रुपीज है और काफ़ी पूरा ग्राउंड वो बर्फ से भरा हुआ है, तो आपको शो करेंगे, आप भी रेफरेंस के लिए वहाँ पे जा सकते हो। बर्फ है, ये बैठा शख्स गार्गी है और इस गार्गी को बर्फ पड़ रही है, बहुत गंदी बर्फ पड़ रही है। वो टोपी में वो गार्गी अंदर बर्फ डाल दिया, गंदी गई है बर्फ। राउंड टू, अच्छा राउंड टू, और राउंड टू में साले का एंजॉय कर रहे हैं कॉफी, इतनी ठंड में कॉफी के मजे अलग ही है भैया हिल्स में आने के बाद। तो क्या गार्गी जी, गार्गी जी बढ़िया बर्फ मारी आपको मैंने। दोस्तों धनौल्टी अराइव करने के 1 से 2 किलोमीटर पे आपको कहीं रिजॉर्ट दिखने शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे कुछ नॉमिनल एंट्री फीस के साथ जो है आप पूरी स्नो के मज़े ले सकते हो। कई फैमिलीज़ हमने देखी कि हिल्स के आसपास ही इंजॉय करके और मूव ऑन कर रहे थे, बट आप रिजॉर्ट में जाओ डेफिनेटली रिकमेंडेड है। 25-50 रुपीज़ पर हेड से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे आपको करने को मिल सकती हैं, कुछ ना कुछ एडवेंचर कर सकते हो या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप वहाँ कर सकते हो। क्या चार्ज है? अरे मेरा भाई, हम खुद यूट्यूबर हैं भाई। अपना ठंड से लो भाजी काट लो। ये हमारे गेस्ट ट्रैवल के ऑनर, लाल जो लाल हो जाते हैं ना भाई, ये जबरदस्त चीज है। भाई क्या यार, गुलाबी गाल भी रिकॉर्ड करूंगा। एंटर हो गए हैं यहाँ पे ब्लैक ग्रीन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर हेड टिकट है इंडिविजुअल की, और यहाँ पे फ़ायदा ये है कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरी यहाँ आइस से भरा है, नीचे भी आइस है। गाइस आइस का मज़ा जब आता है अगर धूप हो रही हो और बर्फ़ पड़ी हो, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ है तो मज़ा ही अलग आ जाता है। अभी आपको दिखाते हैं नीचे जाके। चलो गार्गी जी नीचे चलते हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कैसी कैप दे दी? चलो चलो भागो भागो। दोबारा दोबारा दोबारा।
नीचे नीचे नीचे, अभी नीचे करना स्केट, नीचे नीचे चल नीचे चल। ये आराम से आराम से आराम से, चल 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 दोबारा। तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, बहुत अच्छी स्नो यहाँ पर आप इंजॉय कर पाओगे। और ये आपको धनौल्टी में एंटर करने के बाद 1.5 किलोमीटर पे ही मिल जाएगा और अलग ही दिख जाएगा आपको एक ग्रीन फॉरेस्ट रिजॉर्ट। ज़रूर आना यार, मज़ा बहुत आता है। ये पूरी देख रहे हो, यहाँ पे पूरी स्नो स्नो है हर जगह। ये देखो गार्गी जी को ज्यादा गर्मी आ रही है, भाई साहब देखो एक इनर में। भाई कोई गर्मी नहीं है। ये देखो भाई को, देखो भाई को, वहां पे होली खेली जा रही है, होली होली। करना हो तो कुछ ऐसे रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, आप रिजॉर्ट भी देख सकते हो, कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। रूम है, नीचे भी रूम है, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा चाहिए। ओह माय गॉड, स्लिप होने से जस्ट बचाऊं मैं अभी। स्नो अच्छी खासी है यहाँ पे, ऐसे ऐसे छोटे से कॉटेज बनाए हुए हैं। वैली व्यू है सामने, हिमालय व्यू है, यहाँ पे भी स्नो है। ये गार्गी जी हमारे स्नो के मजे लेते हुए। गार्गी जी किदा, ओ आराम से भाई आराम से। ये ले तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे गई हमारे गैरी के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो गुस्सा रहा है। ये है स्नोमैन, स्नोमैन बना है। अर्ली मॉर्निंग दोस्तों यहाँ पे आ गए थे जैसा आप लोगों को पता है, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा क्राउड बढ़ता जा रहा है, तो काफी वर्थ इट है। एक अच्छा फैमिली टाइम आप स्पेंड कर सकते हो अगर आप आते हैं। खूब हमने यहाँ पे रील्स बनाए, खूब फन किया गाइज। अब हम रिटर्न करने की सोच रहे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम बच गया है यहाँ पे, तो इजीली आप एक दिन में इसको कवर कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आइए मॉर्निंग, जितना अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हो उतना अर्ली मॉर्निंग निकलिए और पूरा ट्रैवल कंप्लीट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू टाइम स्पेंड कर सकें अपने लव्ड वन के साथ और पूरा फन उठा सकें। दोस्तों कमेंट करके बताना ये हमने जो स्नोमैन बनाया है बिना आँख वाला टोपी पहना के, कैसा लगा आपको। तो दोस्तों होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अब हम देख रहे हो धनौल्टी से नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लाउड एंड है, नीचे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, पूरा कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त। तो दोस्तों कमेंट करके बताना हमें नीचे कि आपको व्लॉग कैसा लगा, कोई क्वेश्चन हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो बिल्कुल बताना। अब हम यहाँ से खाएंगे छोले कुलचे और इस व्लॉग को करेंगे हम एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पर। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं करा है, बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तब तक के लिए गिल्स ट्रैवल एंड फूड साइनिंग ऑफ, टाटा।